दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं आपके उन सवालों के जवाब जो आपने पूछे हैं हेमरॉइड्स, पाइल्स या बवासीर से रिलेटेड। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर पाइल्स को, हेमरॉइड्स को, बवासीर को समय पे ठीक ना किया जाए तो एक बहुत बड़ी बीमारी या बड़ी समस्या का रूप भी ले सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा ले सो दैट इस तरह की हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय पे मिलती रहे। तो आइए लेते हैं आपका सबसे पहला सवाल। देखिए, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भी एक्चुअल में बवासीर, पाइल्स, हेमरॉइड्स है क्या, और वो इसको इग्नोर करते जाते हैं। उसके रीजंस हैं, कई बार वो शर्माते भी हैं बताने से यार क्यों बताया जाए। देखिए, बवासीर जो है वो एक बीमारी है और ये जो आपके गुदा द्वार के या एनस के आसपास की जो वेन्स होती हैं उनमें जब स्वेलिंग आ जाती है, जब फूलने लगती है कई कारणों से, तो इसको जनरली बवासीर, पाइल्स या हेमरॉइड कहते हैं। कारणों में जो मुख्य कारण है, एक बार अगर आप बहुत ज़्यादा देखिए स्ट्रेन करते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है लगातार, तो उसके कारण भी ये जो है आपको बवासीर होने का डर बना रहता है। आपकी डाइटरी हैबिट्स, या अगर आप ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको लगातार घंटों घंटों बैठा रहना पड़े और आप बिना ब्रेक लिए बैठे रहते हैं, आप कम फाइबर वाली डाइट लेते हैं, तो ये सारे कारण या फैक्टर हो सकते हैं। तो दूसरा सवाल है, वो पूछा है किसी ने कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हेमरॉइड्स, और आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपको हेमरॉइड है, पाइल्स है या बवासीर है या कोई और बीमारी तो नहीं है। जैसे इसके जो लक्षण मिलते जुलते होते हैं वो कई बार एनल फिशर से भी मिलते जुलते होते हैं, तो उसको मैं बताऊंगा कि कैसे आप पहचान सकते हैं। पहले सवाल का जवाब ले लेते हैं कि भाई बवासीर के या पाइल्स के लक्षण क्या होते हैं। सबसे कॉमन लक्षण है कि आपको गुदा द्वार के आसपास इचिंग होती है, आपको कुछ बाहर की तरफ फूला हुआ महसूस होता है, कई बार मस्से महसूस होते हैं, कई बार थोड़ा सा उभार महसूस होता है। ये एंगोर्ज्ड वेन्स होती हैं जो बाहर की तरफ आने लगती हैं। जब कॉन्स्टिपेशन अगर ज़्यादा लगातार बना रहता है तो कई बार मोशन पास करने के बाद मरीज को ब्लड भी आने लगता है और कई बार तो बहुत ज़्यादा ब्लड आता है। कुछ केसेस में दर्द भी हो सकता है जब इन्फेक्शन होता है, लेकिन जनरली पाइल्स में या हेमरॉइड्स में पेन नहीं होता है, पेनलेस ब्लीडिंग होती है। अगर पेन होता है और सीवियर पेन होता है तो फिर ये मान के चले कि आपको या तो एनल फिशर भी है साथ में या फिर पाइल्स में इन्फेक्शन हो गया है। ये कुछ कॉमन लक्षण होते हैं। आप टॉयलेट में बैठते हैं तो आपको बैठते ही कई बार टॉयलेट के बाद पैन में ब्लड दिखने लगता है जो फ्रेश होता है, रेड कलर का होता है। ये इसके लक्षण होते हैं। अगला सवाल है कि भाई ये कितने तरह के होते हैं और इनका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या इनको ट्रीट किया जा सकता है। तो देखिए, जो हेमराइड है या पाइल्स है उसकी कैटेगरी होती है, उसको जनरली तीन कैटेगरी में बांटते हैं। पहली कैटेगरी ये होती है कि आपको हल्के से मस्से होते हैं, महसूस होते हैं, लेकिन जब आप खड़े हो जाते हैं या फिर आप नॉर्मली मोशन के बाद जब बाहर आते हैं तो मस्से ऊपर चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता और कोई लक्षण भी नहीं आता। आपको थोड़ी बहुत वहाँ इचिंग महसूस होती है या हल्का फुल्का उभार लगता है। इसको प्राइमरी या फर्स्ट डिग्री का पाइल्स से हेमरॉइड कहते हैं। लेकिन अगर ये मस्से बड़े होने लगे, इनसे ब्लीडिंग आने लगे, ये बाहर की तरफ आने लगे और फिर जब खड़े हो तो अपने आप ही ऊपर की तरफ चले जाने लगे, तो ये सेकेंड डिग्री का पाइल्स कहलाता है। और अगर ये मस्से बहुत बड़े हो जाए, बाहर की तरफ बिल्कुल विजिबल दिखें, आपको महसूस भी हो और आप जब खड़े भी होते हैं तो वापस ना जाए और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज हो, तो ये थर्ड डिग्री का पाइल्स कहलाता है। और इनका ट्रीटमेंट जो है उसी तरीके से अलग अलग होता है, किस कैटेगरी में कौन सा ट्रीटमेंट होता है, जिसके बारे में आगे मैं एक सवाल लूंगा उस पर हम बात करेंगे। अगला सवाल है, एक साहब पूछ रहे हैं कि क्या हेमरॉइड्स को, पाइल्स को प्रिवेंट किया जा सकता है, क्या उसको होने से रोका जा सकता है। बट यस, अगर आप अपनी डाइटरी हैबिट्स को सुधार लेते हैं, आप हाई फाइबर युक्त भोजन करते हैं, आपके भोजन में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, आप फ्राइड भोजन कम करते हैं, आप मसालेदार चिकना भोजन कम करते हैं, तो आपको पाइल्स होने के रिस्क कम हो जाते हैं। आप अगर ऐसी जॉब करते हैं जिसमें बहुत समय तक आपको खड़े रहना पड़ता है या बैठे रहना पड़ता है, बीच बीच में अगर आप ब्रेक्स ले लेते हैं तो ये भी पाइल्स के रिस्क को कम कर देता है। उसके अलावा अगर आप कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते हैं, जैसे आप ऐसे फलों का इस्तेमाल करें, अमरूद खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, आप इस गोल की भूसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे फिर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो पाइल्स का रिस्क कम हो जाएगा। अब अगला सवाल लेते हैं, बात करते हैं कि भाई इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हो सकते हैं।
देखिए, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग ट्रीटमेंट के ऑप्शन होते हैं। अगर प्राइमरी फर्स्ट डिग्री का हेमरॉइड है तो आपको सिंपली कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करके, कुछ लेक्सेटिव का इस्तेमाल करके, कुछ लोकल क्रीम अप्लाई करके भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर ये बढ़ गया है तो उसके बाद फिर एक बैंड लगाया जाता है, एक रबर बैंड चढ़ा दिया जाता है वो टैग को काटने के लिए। और उस कुछ दिनों रबर बैंड लगा रहता है, एक बैरन बैंडिंग टेक्निक होती है, उससे डॉक्टर बैंड लगाता है और ये पाइल्स करके निकल जाते हैं। एक रेट सेकेंड डिग्री के पाइल्स तक भी इससे ठीक हो जाते हैं, मरीज ठीक हो जाता है। कई बार कुछ इंजेक्शंस भी, पिनोल एल्मोनडाइल के कुछ इंजेक्शंस होते हैं, बट ये एक्सपर्ट और डॉक्टर के थ्रू ही लगने चाहिए। अगर किसी क्वैक से आपने अगर इंजेक्शन लगवा लिया तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, ऐसे फ्यूचर और इवन बड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। जो थर्ड डिग्री का ट्रीटमेंट होता है उसमें देखिए फिर सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। उसमें जो आपके जो रूटीन ट्रीटमेंट है उनसे बात नहीं बनती, फिर आपको हेमरोडक्टमी करानी पड़ती है। आजकल बड़ी अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं, स्टेपलर हेमरोडक्टमी के थ्रू बड़ी जल्दी से आप 24 घंटे में अपने घर आ सकते हैं और तो बहुत ही अच्छे से इसका इलाज हो जाता है। बट कंडीशन वही है कि आप देखिए अच्छी जगह अच्छे डॉक्टर से इस ऑपरेशन को कराएंगे तो रिकवरी आपकी फास्टर होगी और कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं रहेंगे। अब सवाल एक ये भी उठता है कि अभी फिर आपको डॉक्टर को कब आके दिखाना चाहिए। ये भी कुछ लोगों ने पूछा है कि हम डॉक्टर को कब दिखाएं। देखिए, डॉक्टर को तो आपको तभी दिखा देना चाहिए जब आपको पहला सिम्टम आए, जिससे कि बीमारी ना बढ़े। अगर आप उस समय का वेट करेंगे कि नहीं अब खून आने लगेगा, दर्द होने लगेगा, तभी हम डॉक्टर को जाकर दिखाएंगे, तो आप गलत कर रहे हैं। जब आपको लगे कि आपको कुछ उभार महसूस हो रहा है या इचिंग लगातार बनी हुई है या हल्का फुल्का भी आपको ब्लड आता है, कॉन्स्टिपेशन आपको लगातार बना रहता है, तो आपको अपने डॉक्टर को इमीडिएटली संपर्क करना चाहिए, सो दैट रिस्क आने से पहले आपकी बीमारी को ठीक किया जा सके। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, सो दैट इस तरह की हेल्थ इन्फॉर्मेटिव आपको मिलते रहें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।